ऋषिकेश के हॉकी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को रैली करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैदान में भूमि पूजन और यज्ञ किया, साथ ही कार्यक्रम के सफल होने की कामना भी की। पार्टी पदाधिकारियों ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं तय हो गई हैं। बीजेपी उनकी 2 और जनसभाओं को कराने का प्रयास कर रही है। योगी 13 और 14 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाएंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को उनकी श्रीनगर, गढ़वाल और उसके बाद रुड़की में जनसभा होगी। पार्टी उनकी 1 जनसभा अल्मोड़ा और दूसरी सहसपुर में कराने का प्रयास कर रही है। योगी से पहले 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार करने आएंगे। नानकमत्ता गुरुद्वारे के कार सेवक प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने थाना भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में मार गिराया। हत्यारे का दूसरा साथी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में एसटीएफ और पुलिस जुटी हुई है। डीजीपी अभिनव कुमार ने एनकाउंटर की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में ऐसे जघन्य अपराध करने पर पुलिस अपराधियों से सख्ती से निपटेगी। तुरंत जैसे ही हमारे उत्तराखंड पुलिस को मिली, भगवानपुर और हरिद्वार, साथ ही कुमाऊं के एसटीएफ और देहरादून के एसटीएफ, गढ़वाल के एसटीएफ, इनके द्वारा घेराबंदी की गई। तो यहाँ पर ट्रैश बार रोकने के लिए कहा गया, तो उसने पुलिस की टीम पर फायर किया, तो जवाबी जो आत्मरक्षा में जो फायर किया गया उसमें जो है उसको गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उसकी मृत्यु होना डॉक्टर के द्वारा बताया गया। देवभूमि क्षत्रिय समिति पिथौरागढ़ द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कैप्टन सुरेंद्र सिंह वल्दिया का भव्य स्वागत एचोली स्थित होटल श्रेष्ठ में किया गया। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे, साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। समिति के संरक्षक राम सिंह ने कहा, ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा ध्येय क्षत्रिय समाज के हितों को संरक्षित रखने का है। कार्यक्रम का संचालन कैप्टन दीवान सिंह वल्दिया और नानू बिष्ट ने किया। उत्तराखंड में कांग्रेस का चुनाव प्रचार गरमाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर चुनावी रैली करेंगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ओर से स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित करने पर स्थानीय राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग के छात्र छात्राओं ने नाराजगी प्रकट की है। विद्यार्थियों ने आधे अधूरे कोर्स में परीक्षा कराए जाने पर आपत्ति जताते हुए परीक्षा तिथि में संशोधन करने की मांग की है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीएन भट्ट के माध्यम से छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने सेमेस्टर परीक्षा तिथि में बदलाव करने की मांग की, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो सभी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में हिमांशु जोशी, मंजूसा पंत, रश्मि कार्की, पीयूष पंत, प्रिया तनुज सुरेखा, अभिषेक कुमार, सूरज नितवाल, गालिब, अमित सिंह समेत भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। गोहा घाट निवासी भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात सैनिक प्रदीप बोहरा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते ही मातम पसर गया। जवान प्रदीप बोहरा बाड़मेर राजस्थान से छुट्टी लेकर ट्रेन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान चलती ट्रेन से पैर फिसलने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से पूरा क्षेत्र शोक की लहर में डूब गया है। जवान प्रदीप का अंतिम संस्कार क्षेत्र के गुप्तेश्वर घाट में किया गया, जहां पिथौरागढ़ से आई सेना की टुकड़ी ने सिपाही प्रदीप को अंतिम सलामी दी। तो यदि आज की फटाफट न्यूज ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। नमस्कार, प्रणाम। पहला K24 न्यूज जो कि हमारे उत्तराखंड का है, हमारे उत्तराखंड के लोगों का है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अगर ये यूट्यूब में है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे उत्तराखंड के चैनलों को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।